लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत कल नहाय खाय के साथ हो गई। वहीं शनिवार को छठ पूजा के दूसरे दिन खरना पर्व को लेकर पूरे दिन बाजारों में छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। भागलपुर के सूजागंज और लोहिया पुल के समीप स्थित बाजार समेत कई इलाकों के छोटे छोटे बाजारों में पुरुष महिला श्रद्धालु सूप डलिया नारियल ईख के अलावा छठ पूजा में उपयोग किए जाने वाले फल एवं अन्य सामानों की खरीदारी करते दिखे। इस दौरान पूरे बाजार में हर ओर खरीदारी करने वालों की भीड़ जुटी रही, जबकि लोक आस्था के पर्व को लेकर माहौल पूरी तरह छठ पूजा के रंग में रंगा दिखाई दिया। एक ओर जहां भागलपुर के बाजारों में छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की काफी भीड़ जुटी रही, वहीं दूसरी ओर पूजन सामग्री सूप डलिया नारियल एवं अन्य सामानों की खरीदारी करने भी लोग आते जाते रहे। वहीं जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने भी अपने जरूरत के अनुसार पूजन सामग्री की खरीदारी की। बाजार में हर ओर दुकान समेत फुटपाथ के दुकानों पर लोगों की भीड़ जुटी रही। भागलपुर समेत देश भर में शनिवार को छठ पूजन के दूसरे दिन छठ व्रतियों ने खरना पूजन को लेकर पूड़ी के साथ चावल और दूध का खीर बनाया। सुबह से ही छठ व्रती पूजन के लिए कार्यों में जुटी रहीं, जहां शुद्धता का ख्याल रखते हुए व्रतियों ने खरना पूजन के लिए पकवान बनाया। वहीं इस दौरान चावल के रसिया पूड़ी और केला का भोग लगाकर छठ व्रतियों ने षष्ठी पूजन किया, जिसके साथ ही व्रतियों का उपवास भी शुरू हो गया। इधर अलग अलग जगहों पर छठ व्रतियों ने पूरे नियम निष्ठा के साथ खरना पूजन किया और प्रसाद ग्रहण कर बारी बारी से श्रद्धालु एवं मौजूद लोगों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। रविवार को छठ पर्व का पहला अर्घ होगा, जबकि सोमवार को उदयीमान सूर्य को अर्घ देने के साथ छठ महापर्व सम्पन्न हो जाएगा। भागलपुर के सनौला घोगा मुख्य मार्ग पर सखवा चौक के पास शुक्रवार की देर शाम दो बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों लोगों की मौत हो गई, जबकि इस सड़क हादसे में दो लोग जख्मी भी हुए हैं। मृतकों की पहचान दिशारथ गांव के मोहम्मद सादिक और अमरंडा थाना क्षेत्र के सुरमनिया गाँव निवासी विकेश कुमार के रूप में हुई है। वहीं गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों की पहचान मोहम्मद रिजवान और शहजादा के रूप में हुई है। इधर घटना को लेकर बताया गया कि बाइक सवार मृतक 18 वर्षीय मोहम्मद सादिक और घायल 20 वर्षीय मोहम्मद रिजवान एवं 17 वर्षीय शहजादा मंसूर अपने गांव से सनौला की ओर जा रहे थे। तभी सनौला की ओर से तेज रफ्तार में आ रहे मृतक 25 वर्षीय विकेश कुमार की बाइक से सखवा चौक के पास एक होटल के सामने दोनों बाइक की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि इस घटना में दोनों बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि दो युवकों की मौत और दो गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सड़क हादसे के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए तत्काल सनौला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन सभी की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए सभी को मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया है। इधर देर रात मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान मोहम्मद सादिक और विकेश की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से जख्मी रिजवान की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं इस घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची सनौला पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों बाइकों को जब्त कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। गंगा समग्र की भागलपुर जिला इकाई की ओर से छठ महापर्व को लेकर गंगा घाटों पर सफाई अभियान चलाया गया, जिसका नेतृत्व गंगा समग्र की जिला संयोजक अंजलि घोष ने किया। शहर के खंजरपुर खिरनी घाट में संगीता सिन्हा के नेतृत्व में सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें राजकुमार सिन्हा गोपीनाथ नारायणी मिश्रा और फूल कुमारी दत्ता समेत कई लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं नाथनगर में पूनम भगत के नेतृत्व में घाट सफाई की गई, जबकि सबौर में गुड्डी देवी और सुल्तानगंज में गौतम सिन्हा के नेतृत्व में गंगा घाट की सफाई की गई। इसको लेकर अंजलि घोष ने बताया कि जिले के अलग अलग गंगा घाटों पर छठ व्रतियों की सुविधा को लेकर सफाई अभियान चलाया गया, जबकि गंगा की स्वच्छता के लिए काम करने वालों गंगा समग्र के द्वारा आगे भी इस तरह के अभियान चलाए जाएंगे। सफाई अभियान में संजय भगत दिनेश यादव रामचरण महलदार समेत अलग अलग खंड के कई कार्यकर्ता शामिल हुए। बता दें कि छठ महापर्व को लेकर जिला प्रशासन की ओर से धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसमें गंगा घाटों पर किसी प्रकार से हुड़दंग आतिशबाजी अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक।
ऑडियोलॉजी स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स बिहार टॉकीज रोड लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। भागलपुर में पहली बार 24 हबीब अकादमी। भागलपुर के सुल्तानगंज में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी प्रफुल्ल चंद्र यादव और उपसभापति नीलम देवी ने वार्ड पार्षदों के साथ शनिवार को अजगैवीनाथ छठ घाट, नमामि गंगे घाट, अब्जुगंज घाट समेत कई गंगा घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यपालक पदाधिकारी प्रफुल्ल चंद्र यादव और उपसभापति नीलम देवी ने बताया कि छठ पूजा को लेकर नगर परिषद के द्वारा गंगा घाटों में बैरिकेडिंग करने के साथ गंगा में नाव की व्यवस्था की जा रही है, जबकि गंगा घाटों के लिए तोरण द्वार और महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम, लाइटिंग एवं माइकिंग की व्यवस्था भी की जाएंगी। इसके अलावा चलंत शौचालय की व्यवस्था करने की बात भी कार्यपालक पदाधिकारी ने कही। वहीं छठव्रती महिलाओं को अर्घ पूजन के दौरान कोई परेशानी न हो, इसके लिए गंगा में साफ सफाई करते हुए छठ घाटों में समुचित व्यवस्था की जा रही है। कार्यपालक पदाधिकारी प्रफुल्ल चंद्र यादव ने बताया कि अकबरनगर नगर पंचायत में भी सभी छठ घाटों पर अजगैवीनाथ छठ घाट एवं नमामि गंगे घाट की तरह ही सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, जबकि कृष्णगढ़ छठ घाट एवं अजगैवीनाथ मंदिर के पिछले हिस्से में छठ घाट को प्रतिबंधित कर दिया गया है। निरीक्षण के दौरान वार्ड पार्षद विभूति यादव, सफाई निरीक्षक दिलीप दुबे, इंजीनियर शांतनु कुमार और प्रवीण समेत कई लोग मौजूद थे। परिषद को बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रद्धालुओं के तरफ से, क्योंकि आपने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। जो स्थिति पूर्व में थी उससे बेहतर स्थिति है, बहुत अच्छा स्थिति है, और घाट ब्रेकेटिंग हुआ है, बांस तीन छल्ली लगाया गया है, बहुत अच्छा से लगाया गया है, उसमें अच्छा से अच्छा बंधन पड़ा है, कंट्रोल रूम बना है, चेंजिंग रूम बना है, और छठ में व्रत करने वाली के लिए बैठने के लिए व्यवस्था दिया गया है। बहुत अच्छा से व्यवस्था हुआ है गंगा घाट के लिए। इसमें मैं छठ व्रत वाली को मैं हार्दिक अभिनंदन करूँगी। लोक आस्था के महापर्व छठ में सूप डलिया का विशेष महत्व है, जिसमें सभी पूजन सामग्री रखकर छठ पूजन और भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाता है। एक और जहां बांस के साथ अब बदलते समय में पीतल से बने सूप का भी छठ पूजन में उपयोग किया जाता है, वहीं दूसरी ओर भागलपुर के मंजूषा कलाकारों द्वारा मंजूषा चित्रकला के माध्यम से भगवान सूर्य की चित्र बनाकर सूपों को बाजारों में बिक्री के लिए उतारा गया है, जो लोगों को काफी पसंद आ रही है। मंजूषा गुरु के नाम से चर्चित मनोज पंडित और उनके सहयोगियों द्वारा बांस के सूप पर मंजूषा चित्रकला उकेरी गई, जो भागलपुर की पहचान के साथ मंजूषा चित्रकला के प्रति लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद की पूर्व सभापति दयावती देवी के पति रंजीत यादव उर्फ कनबच्चू यादव को पिछले दिनों अपराधियों ने गोली मार कर घायल कर दिया था, जिसको लेकर भागलपुर पुलिस एक्शन में आ गई है और मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। वहीं इसको लेकर DSP विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा करते हुए तीन अपराधी के गिरफ्तार होने की जानकारी दी। DSP ने बताया कि बीते 4 नवम्बर शनिवार की शाम के वक्त सुल्तानगंज थाना अंतर्गत सीढ़ी घाट निवासी
पूर्व सभापति दयावती देवी के पति कुख्यात रंजीत यादव को अपराधियों द्वारा घर में घुसकर गोली मार दी गई थी, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने कहा कि घटना में जख्मी रंजीत यादव के फर्द बयान के आधार पर नगर परिषद के वर्तमान उपसभापति के पति रामधनी यादव, उसके पुत्र सनी यादव, मनीष यादव, अंकित यादव और अमित यादव को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। उन्होंने बताया कि घायल रंजीत यादव और आरोपी रामधनी यादव दोनों की आपराधिक पृष्ठभूमि रही है। दोनों के बीच नगर परिषद एवं शहर में वर्चस्व को लेकर अदावत चलती रहती है। इसी को लेकर रंजीत यादव उर्फ कनबच्चू ने अपने शूटर द्वारा रामधनी यादव पर बीते 23 फरवरी को गोली चलवाया था, जिसमें रामधनी यादव गंभीर रूप से जख्मी हो गया था, जबकि बीते 4 नवंबर को पलटवार करते हुए रंजीत यादव पर गोलीबारी की गई। वहीं इस पूरे मामले को लेकर डीएसपी विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव कुमार ने कहा कि इस कांड की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के द्वारा उनके नेतृत्व में कांड के उद्भेदन के लिए टीम का गठन किया गया। इसके बाद टीम को स्थल जांच के बाद कई अहम जानकारी मिली, जिसमें वादी के फर्द बयानों पर स्थल जांच में आए तथ्य में अंतर होने का पता चला। डॉक्टर गौरव कुमार ने कहा कि इसके बाद वैज्ञानिक अनुसंधान में शूटर की पहचान मुंगेर निवासी अखिलेश कुमार एवं आदित्य कुमार के रूप में हुई। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि स्वीकारोक्ति बयान में और साक्ष्य जो आया है, वैज्ञानिक साक्ष्य, उसमें जो बातें ये सामने आई है, ये अनुसंधान का विषय है और इसमें पर्याप्त साक्ष्य है। ये राजनीतिक घटनाक्रम है या वर्चस्व को लेकर? जैसे कि मैंने बताया कि जो नगर परिषद है सुल्तानगंज का, उसके अंदर भी इन दोनों के बीच में पहले से विवाद था और उसके साथ साथ अभी जैसे मैंने बताया आपको 23/2/23 इसमें कनबुच्चा यादव ने अपने शूटर के द्वारा रामधनी यादव के ऊपर गोली चलवाया था। तो ये जो घटना है ये शुरू से इन लोगों के बीच में शहर में वर्चस्व बदले की भावना और वर्चस्व जो है ये शुरू से बहुत सालों से ये जो है वर्चस्व जो है शहर में स्थापित करना चाहते थे, उसी के एवज में जो यह घटना कारित की गई। माँ तारा होटल की क्या भूमिका है? देखिए, माँ तारा होटल में अभी अभी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं कि उनके मालिक जो हैं और जो स्टाफ हैं और किस तरीके से वहाँ पे जाके रुके, और जिस तरीके से अगर कुछ साक्ष्य आएगा हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे। कितने दिन से तो यहाँ पे अपराधी छिपे हुए थे? देखिए, ये लोग जो हैं जो स्वीकारोक्ति बयान में आया है 30 तारीख को ये यहाँ पे आ गए थे, लेकिन 30 तारीख को ये अटेम्प्ट करना चाह रहे थे, घटना कारित करना चाह रहे थे, पर उस दिन जो है घटना कारित नहीं कर सके।